आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 30 साल में भारत में ऐसे लोगों की संख्या दुगनी हो चुकी है जिनकी आंखें पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है और उन्हें देखने में समस्या हो गई है। जी हाँ, यह बात दो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ कही गई है कि दुनिया में सबसे अधिक नेत्रहीन लोग इस समय भारत में है, यानी डायबिटीज़ के बाद अब हमारा देश ब्लाइंडनेस का हब बन गया है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसे अपने देश में इन हालातों पर काबू पा सकते हैं। ख़ास तौर पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान रखें कि हमारी आँखें कमज़ोर ना हों और ताउम्र रोशनी बनी रहे। ल्यूटिन और जैक्सिथिनिन दो अलग अलग कैरोटिनॉइड्स हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों ही कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती है जिनमें सिर्फ ल्यूटिन या सिर्फ जैक्सिथिनिन पाया जाता है। जिन फलों में इन दोनों ही कैरोटिनॉइड्स की प्राप्ति होती है उनमें संतरा और हरे तथा लाल अंगूर शामिल हैं। ऐसे फल जिनमें ल्यूटिन की प्राप्ति की जा सकती है वो हैं कीवी, आम और नारंगी। इनके साथ ही पीले कद्दू में भी ल्यूटिन पाया जाता है। जी हाँ, जैक्सिथिनिन की प्राप्ति मुख्य रूप से ऑरेंज पेपर से होती है। इसके अतिरिक्त पका हुआ केला और पालक से भी इसकी प्राप्ति की जा सकती है। इनके अतिरिक्त आंवला भी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आँखों की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी तत्व ल्यूटिन और जैक्सिथिनिन कैरोटिनॉइड्स किसी फल और सब्जी में कितनी मात्रा में उपलब्ध होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन फल और सब्जियों की खेती और भंडारण किस स्थितियों में किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में उगे पदार्थों से आपके शरीर को इन कैरोटिनॉइड्स की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्यूरेनिया आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट।